वेल वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप माई वीडियो एंड वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो जानकारी दे दूँ अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल का नाम एम्बिश बाबा है और कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी क्लासेज लाइव होती हैं तो इस सेशन में हम करते क्या है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेशन है जिसमें हम कोशिश करते हैं जो भी हाल फिलहाल में न्यूज़ हमने पढ़ी है उसे क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कस करें और जैसा कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट होता है उसके उसके अकॉर्डिंग बातचीत करें और हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिविजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा सेशन के बाद हम आपको पी भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से और अगर आप मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना वक्त गवाए और देखते हैं आज कौन कौन सी से क्वेश्चन जिन्हें हम डिस्कस करेंगे तो कृपया गाइज रेगुलरली सेशन को फॉलो करने की आदत डालिए चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो तो ज़रा The second edition of World Food India 2023 will be organized from 3 to 5 November 2023 at which city? World Food India 2023 ka dusra sanskaran 3 se 5 november 2023 -ko, में कौन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? Bangalore, New Delhi, then you have Chennai और Ahmedabad, Mumbai, ठीक है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है कुछ सेकंड्स और लेंगे तो आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में काफी आयोजन हुए हैं जिनके बारे में हम रोजाना बातचीत करते रहते हैं तीन से पांच नवंबर को आयोजन होना है वर्ल्ड फूड इंडिया तो ये है नई दिल्ली ठीक है चलिए तो दूसरा एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तीन से पांच नवंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है अब इस इवेंट के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर हैं नाम क्या है उनका पशुपति कुमार पारस इन्होंने आउटलाइन किए हैं कुछ पायोटिल एलिमेंट्स को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का एज जैसे कि एज मिलेट्स श्री अन्ना द सुप द सुपर फूड ऑफ इंडिया तो आप जानते हैं मिलेट्स के बारे में काफी बातचीत हो रही कई बार बता चुकी हूं 2023 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में और ये प्रपोजल था भारत का जो उसने यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा था और जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है ठीक है तो द सुपर फूड ऑफ इंडिया इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रीन फूड वाइट रेवोल्यूशन टू मेकिंग इंडिया एंड एक्सपोर्ट हब एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ऑन डिजिटलाइजेशन तो इन सब थीम्स पे बातचीत हो रही है और वर्ल्ड फूड इंडिया में मिलिट्स और जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ठीक है फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो जरा इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एंड ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट रिसेंटली भारत और किस देश ने हाल ही में एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या आयरलैंड ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट ठीक है तो भारत ने किस देश के साथ किए हैं तो ये है ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे हैं है ना तो गुजरात से लेके आ, आ, जो आपका हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच हो रहा था उसको भी उन्होंने अटेंड किया राजघाट गए थे और होली अटेंड किया और काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ बातचीत भी हो रही है जिसमें से एक जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वो हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इट इज़ रिलेटेड टू किससे संबंधित है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट जो कि ऑफर करेगा जो भी फिल्म निर्माता हैं उनको वित्तीय इंसेंटिव जिसकी अमाउंट होगी कितना अप टू तीस प्रतिशत जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर होगा जिस भी देश में वो जा रहे हैं और ये अग्रीमेंट साइन किया है किसने इंटेलिजेंस और, ब्यूर, और, ब्यूर, और ब्यूरो इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो सेक्रेटरी नाम क्या है उनका अपूर्व चंद्रा अपूर्व चंद्रा और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरे ठीक है चलो आगे बढ़ो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सोलवा देश है जिसके साथ भारत ने को प्रोडक्शन अग्रीमेंट साइन किया है जो कि खास तौर से छोटे छोटे जो निर्माता हैं उनको बेनिफिट करेगा जो कि शूट करते हैं मूवीज़ वेब सीरीज़ या एडवर्टीजमेंट्स वगैरह और अपना पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और विजुअल इफेक्ट उस कंट्री में दर्शाते हैं ठीक है अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने ये जो को प्रोडक्शन अग्रीमेंट है किन देशों के साथ किया है ज़रा जल्दी जल्दी देख लें तो आई होप दिख रहा है इटली है यूके है नॉर्दन आयरलैंड है जर्मनी है ब्राजील है फ्रांस है न्यूजीलैंड है न्यूजीलैंड के बाद है पोलैंड पोलैंड के बाद है स्पेन ठीक है फिर आते हैं नीचे कैनेडा चाइना साउथ कोरिया बांग्लादेश इज़राइल रशिया और पुर्तगाल तो इन 16 देशों के साथ भारत ने आ, ये ऑस्ट्रेलिया को मिला इन 16 देशों के साथ भारत ने ये को प्रोडक्शन अग्रीमेंट साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट इसी बात पे कुछ और एम ओ यूज डिस्कस कर लें तो हाल ही में इंडिया ने साइन किया था एम ओ यू के साथ सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन के लिए फिर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने साइन किया एक एम ओ यू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर केयर के लिए इंडिया ने साइन किया एम ओ यू साउथ अफ्रीका के साथ कोऑपरेट करने के लिए डिसेबिलिटी सेक्टर में और एक एम ओ यू चिली के साथ साइन किया है कोऑपरेट करने के लिए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड uh, सेक्टर्स में इसके अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात करें तो एक एमओयू है जो कि इंट्रोड्यूस करेगा बारह अफ्रीकी चीताओं को जो कि आ चुके हैं भारत में और अभी टोटल कितने हो गए हैं बीस ठीक है 20, और आने वाले एक दशक में अगले दस सालों में अगर देखा जाए तो सौ चीता भारत आने हैं टोटल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है बैंगलुरु दिल्ली कोची कैलकटा कोलकाता या फिर मुंबई डिजिटल करेंसी पार्किंग के लिए एक्सेप्ट करेगा कौन सा मेट्रो पहला बन जाएगा आइए देखते हैं ये है सी इट्स कोची मेट्रो हम्म तो IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप की है अनंतम ऑनलाइन जो कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसका फोकस क्या है डिजिटल पार्किंग को इनेबल करना ताकि वो एक्सेप्ट कर सके डिजिटल रुपी को कहां पे कोची मेट्रो पार्किंग लोकेशन में इसके अलावा ये इनिशिएटिव है ये एक पायलट प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया है आर ने और इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करेगा सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है कोची मेट्रो में और अगर बात करें तो ये अब एक्सेप्ट करेगा डिजिटल करेंसी को अपनी पार्किंग फैसिलिटीज़ में ठीक है तो ये पहला आ, मेट्रो बन जाएगा जो कि ऐसी सुविधा प्रदान करेगा इसकी प्रोग्राम की बात करें तो इसे इनोग्रेट किया गया पार्किंग फैसिलिटी कहाँ पे आ, थाइकोडम और ये जो सिस्टम है इसे आ, बहुत जल्द बाकी जो भी आ, पार्किंग एरियाज हैं मेट्रो स्टेशन के मेट्रो स्टेशन के वहाँ भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है काफी बातचीत भी चल रही है इसके बारे में है ना तो देखें द इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन विच इज एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन विल ओपन टू द पब्लिक ऑन नाइनटीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इट इज लोकेट इन विच प्लेस इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है उन्नीस मार्च दो हजार तेईस को जनता के लिए खुलेगा ये किस स्थान पर स्थित है दिल्ली चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर लद्दाख या पुडुचेरी चलिए देखते हैं क्या है सही उत्तर इसका तो ट्यूलिप्स की बात हो रही है अभी मैंने आपको हाल ही में बताया न्यू दिल्ली में भी ट्यूलिप्स जो है उनसे रिलेटेड जो गार्डन है उसको खोला गया है आम जनता के लिए जी ट्वेंटी से रिलेटेड ये आयोजन है और अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है तो जम्मू कश्मीर का बहुत ही फेमस ये आ, ट्यूलिप गार्डन है जो हर साल खोला जाता है आम पब्लिक के लिए और बिकॉज एक सीजन होता है ट्यूलिप्स का उस सीज़न में लोगों के लिए खोला जाता है और उसके बाद उसकी रख रखाव और देखभाल के लिए इसे बंद कर दिया जाता है तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर में है लोगों के लिए 19 मार्च 2023 से खोल दिया गया है ये गार्डन दल लेक से जबरवान हिल्स के बीच फैला हुआ है और ये जो गार्डन है ये लगभग 1050 जीरो फाइव जीरो कनाल्स यानी फिफ्टी टू हेक्टर्स में है इसमें इट स्टार्टेड विद पचास ट्रिपल जीरो ट्यूलिप्स देन 3.50 लाख ट्यूलिप्स एंड नाउ 15 लाख ट्यूलिप्स हैं अरे बाबा सही है फिर इसके अलावा 1.5 मिलियन जो ट्यूलिप्स हैं अलग अलग कलर्स के इस गार्डन में पाए जाते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता था सिराज बाग कहा जाता था जो स्प्रिंग के मौसम में खोल दिया जाता है ट्यूलिप्स के अलावा यहाँ हाइसिंथ, ठीक है डेफिडल्स मस्करी सिकलेमिन भी आ, इनको डिस्प्ले किया जाएगा आम जनता के लिए तो सिराज बाग आ, के नाम से जाना जाता था तो अब इसका नाम क्या हो गया इंदिरा गांधा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जिसे 2008 में ओपन किया गया उस समय के सीएम जो थे जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद के द्वारा तो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े Which of the following state has become India's first state to launch the Resham Keet Bhima scheme for sericulture? Resham is silkworm, Resham Keet is silkworm. तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव अगेन अरुणाचल सिक्किम हिमाचल महाराष्ट्र या उत्तराखंड तो रेशम कीट स्कीम यानी जो लोग सेरिकल्चर से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बीमा है और इस जो प्रक्रिया है सेरिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये बीमा योजना लागू की जाएगी अगर देखा जाए तो ई ई बोले तो उत्तराखंड यानी पुष्कर धिंग सिंह धामी है ना आइए तो उत्तराखंड बन गया है भारत का पहला राज्य जो रेशम की बीमा स्कीम चलाएगा सेरिकल्चर इससे सेरिकल्चरिस्ट के लिए जो रेशम की आ, आ, उत्पादन से जुड़े हुए हैं ठीक है चलिए ये पहला चरण है इस पायलट प्रोजेक्ट का जिसमें 200 सौ सेरिकल्चरिस्ट जो कि पांच ब्लॉक्स पा, आ, से आते हैं चार डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर नैनीताल ने इन्हें सिक्योर किया गया है फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज स्क्यर सिटी ऑफ वाटर एंड अदर हेजार्ड्स ठीक है ये जो स्कीम है इसे चलाया जाएगा सरल कृषि बीमा योजना के तहत उत्तराखंड की कैपिटल क्या है देहरादून ठीक है विंटर कैपिटल है और गैरसान समर कैपिटल है सीएम पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर है रिटायर्ड ग लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ठीक है आओ अगले क्वेश्चन की तरफ Which company कंपनी unveiled अ न्यू प्रोडक्शन लाइन दैट वुड प्रोड्यूस engines एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन Hosur कंप्लीटली ऑपरेटेड बाय women एम्प्लॉइज किस कंपनी ने एक नई उत्पादन लाइन का अनावरण किया है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होसौर में अपनी विनिर्माण सुविधा में इंजन का उत्पादन करेगी हुदाई मोटर्स लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड होंडा कार्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स लिमिटेड ये पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित ये सुविधा होगी तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है प्रोड्यूस इंजन्स इंजन प्रोड्यूस करेगी तो अच्छी चीज है महिला सशक्तिकरण की तरफ और ये है अशोक लीलैंड ठीक है तो आप अगर सड़क पे पर तो जितने ट्रक्स हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं पीछे अशोक लीलैंड लिखा रहता है है ना तो हैवी कमर्शियल व्हीकल मेकर ठीक है तो बड़ी जो भारी भारी गाड़ियाँ हैं कमर्शियल उनको बनाने वाला अशोक लेलन ने ये अनावरण किया है जिसके तहत उसका जो नया प्रोडक्शन लाइन है जो कि इंजन्स को बनाएगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कहाँ होसौर में इसे पूरी तरीके से महिला एम्प्लॉयज़ चलाएंगी और इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन ताकि प्रमोट किया जा सके विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण और इनकरेज तो हम बात कर रहे थे इस इनिशिएटिव की तो जैसा मैंने कहा ये प्रमोट करेगा विमेन एम्पावरमेंट और इनकरेज करेगा कि वो इम्पॉर्टेंट रोल्स निभा सकें इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अशोक लेलन की अगर हम बात करें तो एक फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की जिसे सेटअप किया गया है जिसने सेटअप किया है ये न्यू लाइन अस्सी महिला कर्मचारियों के लिए और अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें ठीक है तो ये उसका जो ब्रांड फिलॉसफी है आ, आ, उसको आगे बढ़ाता है कोई मंजिल दूर नहीं है जिसके तहत वो एम करता है और जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट इन महिलाओं के लिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन An international conference on shared Buddhist heritage ऑन शेयर्ड held हेरिटेज विल बी 15th ऑन in मार्च इन साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 15 मार्च को किस शहर में आयोजित किया जाएगा तो आपको मुझे इसके बारे में बताना है बेंगलुरु नई दिल्ली हैदराबाद अहमदाबाद या फिर मुंबई जल्दी से देखिए तो जरा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है कुछ सेकेंड और लेते हैं रिफ्रेश कर लीजिएगा स्क्रीन को ठीक है चलो तो इसका राइट आंसर आ, क्या है ये इसके बारे में बात करते हैं शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज नई दिल्ली ठीक है हाँ नई दिल्ली है ये तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है इसे आयोजित किया जाएगा 14 से 15 मार्च विज्ञान भवन नई दिल्ली में दो दिवसीय इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आई बी सी एज अ गारंटी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये सब मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये जो कॉन्फ्रेंस है वो फोकस करेगी इंडिया की सिविलाइजेशनल कनेक्शन इन इंडिया की जो सिविलाइजेशन उसका कनेक्शन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशंस तेईस के साथ इसके साथ अगर हम बात करें तो ये एक साथ लेकर आएगा सेंट्रल एशिया ईस्टर्न एशिया साउथ एशियन और अरे अरब की कंट्रीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज को डिस्कस कर सके ठीक है तो मैंने आपको बताया एस की जो मेज़बानी है तेईस वाली वो भारत कर रहा है उज्बेकिस्तान उस से उसको ये मेज़बानी मिली है नौ मेंबर्स हैं एस में और जो आखिरी मेंबर ऐड हुआ है वो है ईरान और भारत पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था दो सत्रह में ऑफिशियली किसको एस को एस को ठीक है फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन सुमंत कटपाडिया हैज बीन एंड ऑफ बैंक सुमंत कटपाडिया को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक देन यू हैव इंदस लैंड बैंक एच बैंक और बंधन बैंक तो दोबारा से अपॉइंटमेंट हुआ है सुमंत कटपाडिया का और इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा बैंक है सी इट्स इन दिस लैंड बैंक ठीक है <coughs> तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है रीअपॉइंटमेंट के लिए सुमंत कटपाटिया साहब को एम और सीईओ के तौर पर अगले दो सालों के लिए मार्च चौबीस दो तेईस से इनका अगला टेन्यूअर स्टार्ट होगा सुमन कटपाटिया साहब की बात करें तो इनका करियर बैंकिंग अ, के तौर पे अगर बात करें तो काफी सालों का एक्सपीरियंस है अलग अलग मल्टीनेशनल बैंक्स में जैसे सिटी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका ए बी ए रो इसके अलावा uh, अगर हम इनकी बात करें तो ये तीस साल का इनका करियर है अलग अलग uh, पोस्ट पे, ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं जो इंदस लैंड बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में श्रीचंद पी हिंदुजा के द्वारा और इसका नाम इंडसलैंड लैंड बैंक रखा गया था आप लोगों को पता शायद ना हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम इंडसलैंड बैंक रखा गया था ठीक है तो कुछ हाल फिलहाल के बैंकिंग सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स देख लिए जाएं तो हेड ऑफ सिटी कमर्शियल बैंक है भानु वोरा एंड्रीम चेयरमैन एल के कल हमने डिस्कस किया सिद्धार्थ मोहंती रिप्लेस करेंगे एम कुमार को एम डी सी ईओ एक्सिस म्यूचुअल बैंक माफ कीजिएगा एक्सिस म्यूचुअल फंड बी गोपाल कुमार एमडीसीओ एच डी एफ सी बैंक दोबारा से बनेंगे शशिधर जगदीशन इसके अलावा सीईओ जेपी मॉर्गन चेस इंडिया प्रभदेव सिंह ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हुफिसर ऑफ टेक महिंद्रा काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और जहां से आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था तो टेक महिंद्रा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है कृष्णन के शंकर सुब्रमण्यम राजीव कुमार दीक्षित जोशी मोहित जोशी या लक्ष्मण नरसिमहन बोलो तो जरा तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट right आंसर है डी इट्स मोहित जोशी ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे टेक महिंद्रा ने अनाउंसमेंट किया है कि फॉर्मर इन्फोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी बनाए जाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी के पाँच सालों के लिए बीस 20 दिसंबर दो हज़ार से मोहित जोशी की बात करें तो वो सीपी गुरनानी Uh, से टेक ओवर करेंगे रिटायरमेंट के बाद ठीक है मोहित जोशी इन्फोसिस में हुआ करते थे तो इन्फोसिस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है तो इन्हें टेक महिंद्रा में अब एमडी डी के तौर पे नियुक्त किया गया है अब जोशी साहब की बात तो बात कर रहे थे हम हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट्स की चलिए देखते हैं आ, इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं ठीक तो है तो एम डी हिंदुजा यूनिलीवर लिमिटेड रोहित जावा बने हैं तो नागालैंड के सीएम एम नेफ्यूरियो पांचवी बार बने हैं सीएम मेघालय के कॉनराट संगमा दूसरी बार ट्वेंटी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए जिसे आप कहते हैं संजीव शंकर दुबे इन्होंने रिप्लेस किया है भारती दास को चेयरपर्सन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सीईआरसी के बने हैं जिष्णु बरुआ सीईओ नीति आयोग के हैं बी सुब्रमण्यम और इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वर अय्यर को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारत और किस देश ने अरब सागर में मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया है फ्रांस रशिया यूके यूएस और कैनेडा आओ देखें जरा इसका सही उत्तर क्या है इट्स ए इट्स फ्रांस ठीक है आइए बात करते हैं तो भारतीय नेवी ने इंडिया के जो इंडिज स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आई एन एस ने पार्टिसिपेट किया है मेरे पार्टनरशिप एक्सरसाइज़ में किसके साथ फ्रांस की नेवी के साथ और कहाँ पे अरेबियन सी uh, में फ्रांस की नेवी की शिप की बात करो तो एफ एस जो कि एक मिस्ट्रल क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है और एफ एस ला फायर्ट Uh, जो कि ला फायर क्लास ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज ने फ्रांस के शिप से उनके नाम है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में और अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक एवोल्यूशन होगा सी पे जिसमें इंक्लूडेड uh, होगा क्रॉस डेक लैंडिंग यानी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज बोर्डिंग एक्सरसाइजेज सीमैनशिप एवोल्यूशन इन सबका प्रैक्टिस किया जाएगा नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर जनरल रीफिट ऑफ आई एन एस सिंधु कीर्ति सबमरीन एट टोटल कॉस्ट ऑफ नाइन थ्री फोर करोड़ रक्षा मंत्रालय ने नौ सौ चौंतीस करोड़ रुपए की कुल लागत से आई एन एस सिंधु कीर्ति पंडुब्बी के सामान्य मरम्मत के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मैजीगॉन डॉकयार्ड शिपयार्ड गार्डन रिसर्च शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोची शिपयार्ड रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आइए देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इट्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ठीक है चलो देखो इसका आंसर क्या है आ, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जनरल रीफिट किसके लिए सिंधु कीर्ति सबमरीन के लिए कहा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम जिसकी टोटल ला, लागत होगी तीन करोड़ की सिंधु कीर्ति की बात करें तो ये थ्री किलो क्लास डी डि, डीजल डि, इलेक्ट्रिक सबमरीन है आ, अगर हम इस कम इस रीफिट की बात करें तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सिंधु कीर्ति को आ, ये बन सिंधु कीर्ति में जब ये अरेंजमेंट ये फिटिंग्स हो जाएंगी तो ये बन जाएगा कॉम्बैक्ट वर्दी ठीक है यानी इसे लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये ज्वाइन करेगा एक्टिव सबमरीन फ्लीट भारतीय नौसेना का ठीक है तो ये रिफ्ट रीफिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसे अफलोड ऑफ किया जा रहा है डेवलप करने के लिए एक ऑल्टरनेट रिपेयर फैसिलिटी सबमरीन्स की ताकि आगे आ, अगर हम बात करें तो ये अंडरटेक कर सके मीडियम रीफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन एट एच एस एल ठीक है तो अलग जो छोटे मोटे रिपेयरमेंट्स हैं अलग अलग तरह के तो वो इसके तहत किए जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट है इसमें 20 माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करेगा एक आदमियों को डे पर डे Uh, इस प्रोजेक्ट के दौरान ठीक है चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एक्सरसाइज है डिफेंस के कई क्वेश्चन हो गए हैं रिसेंटली विथ एडिशन ऑफ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ला पेरोस वॉज हेल्ड इन इंडियन ओशन रीजन हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा जल्दी से बात कर लेते हैं बिना वक्त गवाए इसका तो राइट आंसर इज थर्ड ठीक है चलो देखो तो तीसरा एडिशन है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ला पेरोस का पहली बात देखो ये नेवल एक्सरसाइज है भारत यूएस जापान फ्रांस और यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दो तीन चार पाँच छः मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है छः देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में तो पर्सनल शिप्स मतलब जो आर्मी है जो ने, जो आपके डिफेंस रिलेटेड जो जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स है अगर हम बात करें एक सेकेंड रुको तो ज़रा बच्चे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड જરા રીફ્રેશ કર લિયા જાય હા તો મેં યહા પે વાત કર રહી થી પર્સનલ શિપ્સ ઓર ઇન્ટિગ્રલ હેલિકોપ્ટર્સ જો હે કિસકી અલગ અલગ જો સેનાએ હે જૈસે રોયલ ઓસ્ટ્રેલિયન નેવી ઓસ્ટ્રેલિયા કી ફ્રેન્ચ નેવી ઇન્ડિયન નેવી જાપનીઝ મેરીટાઇમ સેલ્ફ ડિફેન્સ ફોરસે રોયલ નેવી ઓર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કી રોયલ નેવી ને પાર્ટિસિપેટ કિયા હે ઇસ એક્સરસાઇઝ મે અબ જેસા કી મેને કહા યે બાયનિયલ એક્સરસાઇઝ લાપરોસ ઇસે કન્ડક્ટ કિયા હોતા હે યે ફ્રાન્સ કી નેવી के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जिसका एम क्या है इनहैंस करना जो तट रक्षा है उस एरिया में अवेयरनेस फैलाना और मेरिटाइम टाइम कोऑर्डिनेशन को बनाना जो भी पार्टिसिपेटिंग नेवी है इंडो पैसिफिक रीजन में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी का इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस एन पार्टिसिपेट करेगा हमारे फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति के साथ इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में ठीक है तो कुछ एक्सरसाइजेज हमारे पास जरा उनको एक रिविजन कर लें पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स आयोजित हो रही है इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के बीच जिसे पंगोड मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरला में किया जाएगा देन आईएनएस एन ने पार्टिसिपेट किया है अंतरराष्ट्रीय मेरीटाइम एक्सरसाइज कटलास uh, एक्सप्रेस 2023 में गल्फ में जिसका आयोजन हो रहा है इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एट में यूएई में इंडिया जापान की धर्मागार्जन सत्रह uh, फरवरी से दो मार्च तक चली है शीगा प्रोविंस जापान में छठा एडिशन तर्कश एक्सरसाइज का चेन्नई में किया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच ठीक है जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ो Who has become the second highest run scorer against Australia in international cricket? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के एल राहुल दिनेश कार्तिक या सूर्य कुमार यादव तो इस समय छाए हुए हैं ये तो आ, कह दीजिए काफी ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर है ना तो विराट कोहली की बात हो रही है यहाँ पे तो दूसरे रन हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ के ब्रैंड लारा को इन्होंने पछाड़ा है और सेकेंड हाइएस्ट रन स्कोरर बने हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक है लारा की बात करें तो इन्होंने 4714 सेवन वन रन बनाए थे 82 मैचेस में टेस्ट और ओडियाइज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका है ही अप टू 12 टन विद द बेस्ट स्कोर ऑफ 277 सेवेंटी सेवन और इनकी अगर हम बात करें तो लीडिंग रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कौन है सचिन सचिन के बाद दूसरे नंबर पे कौन है आ, विराट कोहली और तीसरे नंबर पे ब्रायन लारा हो गए हैं तो एक मैच में, में और 144 इनिंग्स में सचिन ने 6707 रन बनाए थे जिन उनका एवरेज कितना था 46.68 ठीक है तो विथ ट्वेंटी टर्नज एंड थर्टी माफ़ कीजिएगा थर्टी वन सचिन का बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर है टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हुई शॉर्ट गर्ल्ड कप दो हजार तेईस इन दोहातर दोहाटगन विश्व कप दो हजार तेईस में, में कांस्य पदक किसने जीता है पृथ्वीराज टोंडीमन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विजय कुमार गगन नारंग या अभिनव विंद्रा ठीक है तो आपको मुझे बताना है किसने किया है ये तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इट्स पृथ्वीराज टोंडीमन ठीक है तो इंडिया के पृथ्वीराज टोंडीमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आई एस एस एफ शॉर्ट गन वर्ल्ड कप दो हजार तेईस में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन ओगाहूज तुजान ने जीता है गोल्ड और इनका स्कोर रहा है थर्टी फोर थर्टी थ्री फॉर थर्टी फाइव और ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने जीता है सिल्वर जिनका स्कोर है थर्टी फोर थर्टी फाइव ठीक है इनकी अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला मेडल है आई एस एस वर्ल्ड कप में जो कि uh, आयोजित हो रहा है ठीक है चलिए कहाँ पे दोहा में तो गाइज आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन थे पी थोड़ी देर में मिल जाएगा टेस्ट डॉट एम बिजस बाबा डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है विजिट करिए फॉर मोर अपडेट्स इन मॉक टेस्ट रिलेटेड बैंक एस एस रेलवे एंड अदर प्रमोशनल एग्जाम्स सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा रोजाना मंडे टू सैटरडे आठ पंद्रह पे अटेंड करना मत भूलिएगा अब मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए